सेंसर बोर्ड ने कई फिल्मों पर जमकर कैंची चलाई है। आजकल सेंसर बोर्ड कई बार सवालों के कटघरे में आ जाता है। सेंसर बोर्ड ने कई नामी फिल्मों के सीन इसलिए कट किए क्योंकि सेंसर बोर्ड का मानना था कि ये सीन्स बेहद ही बोल्ड हैं। आज हम आपको ऐसी ही फिल्मों से रूबरू करवा रहे हैं जिन पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची। विद्या बालन की बोल्ड फिल्म डर्टी पिक्चर को सेंसर बोर्ड के कई कट का सामना करना पड़ा था। फिल्म हिट स्टोरी 2 में सुरवीन चावला और जय भानुशाली ने कई सारे किस और बेड सीन्स दिए थे, लेकिन उन पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चली थी। हिमेश रेशमिया की फिल्म एक्सपोज के एक सीन को धुंधला करके दिखाया गया था। इस सीन में सोनाली राउत ने बेहद ही उत्तेजक साड़ी पहनी थी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से आलिया भट्ट और वरुण धवन के किस सीन को सेंसर बोर्ड ने छोटा कर दिया था क्योंकि सेंसर बोर्ड को इनका किस सीन बेहद लंबा लगा था। 2012 में हेट स्टोरी रिलीज हुई थी। फिल्म में पाउली डैम ने अपने बोल्ड सीन से खूब सुर्खियां बटोरी थी। बावजूद इसके सेंसर बोर्ड को फिल्म के कुछ सीन्स बेहद बोल्ड लगे थे। फिल्म एक विलन के 7 बोल्ड सीन्स को सेंसर बोर्ड ने काट दिया था। ये सीन श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच फिल्माए गए थे। फिल्म फाइंडिंग फैनी का डायलॉग आई एम वर्जिन से भी सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। इस डायलॉग को दीपिका ने फिल्म में बोला था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।